हेलो गाइज, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्केचवेयर के नए ऐप के बारे में, जिसमें कि जावा XML का कोड ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा। मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप मेरे साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को। स्केचवेयर ही है। इसमें हम ये भी सीखेंगे कि एक साथ दोनों स्केचवेयर को कैसे रन करेंगे। कुछ नहीं करना है, पहले वाले स्केचवेयर को जैसे है वैसे रख देना है, और जो डाउनलोड किए हैं उसको सिंपल जाके इंस्टॉल कर देना है। मेरा यहाँ पर डाउनलोड करके मैंने इधर मूव किया है, मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। किधर किधर है ये रहा, इट टेक सम टाइम। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, हम जैसे कि गिटहब का कोई भी रिपोजिटरी वगैरह वहाँ पर रहता है, उसको ऐड करेंगे इसमें ग्रेडल फाइल में। और भी अच्छा अच्छा डिज़ाइन करने वाले हैं इसके थ्रू, मैं आपको दिखा देता हूँ डिज़ाइन। एक मिनट, आप मेरे साइट को रेगुलर विजिट करते रहिए ताकि आपको पता चल जाएगी क्या अपडेट आए हैं। मैं वहाँ पे ब्लॉग लिख देता हूँ, मेरी वीडियो बनाने में टाइम लगता है। सो आजा आजा, जल्दी से इंस्टॉल हो जा ग्लू। वेट, अब आप देख सकते हैं कि मेरा डाउनलोड हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। ठीक, बैक जाना है। अब आप देखेंगे कि मेरा दोनों ऐप इंस्टॉल हो चुका है। एक जो पहले से था, ये वाला मेरा पहले से था। एक मिनट, ये वाला मेरा पहले से था और ये वाला मेरा नया है। ठीक, तो मैं नए वाले को पहले वाले को खोल के दिखा देता हूँ। ठीक, सॉरी मैंने इधर आया था, पहला वाला खुल गया। वाइट टेक टाइम, या मेरा सारा प्रोजेक्ट है। ठीक, अब मैं सेकंड वाला खोलता हूँ। ठीक, यहाँ पे आपको करना है ट्राई स्केच, स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये वीडियो लगा रखे हैं कोई ने, स्टार्ट पे क्लिक करना है। और जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये मेरा अलाउ माएगा, और जब हम अलाउ करेंगे तो मेरा सारा प्रोजेक्ट इसमें अपने आप इम्पोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, ये मेरा सारा प्रोजेक्ट आ गया। मैं एक बार बैक जाकर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, कोई बैकअप वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, मेरा सारा प्रोजेक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसमें जाएंगे और नया प्रोजेक्ट देखेंगे, नया फीचर्स ये है। आप इसमें जावा का फाइल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप स्टोरेज में रख दीजिए, और डायरेक्ट उस पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे ऐड करना है। ठीक, अभी केवल इसका फीचर्स देख रहे हैं। नया जावा का फाइल ऐड कर सकते हैं और XML फाइल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम कस्टम लेआउट बनाते थे अब तक इंजेक्ट करके कोड को। अब नया कोड लिखेंगे, कस्टम XML फाइल बनाएंगे और उसको कॉल करेंगे यहाँ से। ठीक, और एसेस्ट में मेरा रहता है इमेज वगैरह फाइल, मतलब साउंड वीडियो ये सब। उसके बाद लोकल लाइब्रेरी, ये अभी काम नहीं कर रहा। ठीक, और परमिशन, जैसे कि हम नए नए फीचर्स यूज कर रहे थे उसके लिए सारा परमिशन होता है, ग्रांट परमिशन हमको देना पड़ता है। ये जैसे हम क्लिक करेंगे तो एनवायरमेंट मैनिफेस्ट में जाकर ऐड हो जाता है, यानी किस में हो जाता है, एनवायरमेंट मैनिफेस्ट डॉट XML में जाकर ऐड होता है, जैसे ही परमिशन देते हैं। ठीक, ये सब फीचर्स हैं, ये तो पहले से ही था। उसके बाद यही जो था वो है। ठीक है, न्यू वीडियो में हम देखेंगे कैसे इसको यूज करना है। बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।